Hello students, welcome to Pusa Classes. In today's video, we are going to continue with the chapter 14th of class 12. और आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, विच इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. एंड इसके जो वेरियस पॉइंट्स हैं वो सब हम इसके अंदर बात करेंगे. और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है, और कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सक्सेशन? सक्सेशन मीन्स सक्सेसिवली कोई चीज हो रही है. अब कोई भी एक ऐसी जगह है जहां पर पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहा करता था, तो वहां पे विद टाइम क्या होता है, देयर आर सर्टेन चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट, और वो ऑर्गेनिजम्स जो है धीरे धीरे करके आते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो जो है पूरा स्टेबल चीज बन जाती है. मतलब एक बंजर इलाका जहां पे कोई पत्ता भी नहीं था, वहां पे हजारों लाखों सालों के अंदर फॉरेस्ट कैसे डेवलप हुआ. अगर हम बात करें कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, या अर्थ पे पहले कुछ भी नहीं था, और उसके बाद ये सब चीजें कैसे आई, क्या हुआ, तो एक्चुअली में ये सारी जो चीजें हुई, ये हुई बिकॉज ऑफ सक्सेशन. सक्सेशन इज इटसेल्फ अ होल प्रोसेस. सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कम्युनिटी इज दैट देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस. अगर बारिश ज्यादा आ गई है तो उनके कंपोजिशन में चेंज आएगा. दैट मीन्स कैसे, कि कोई से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको बारिश ज्यादा चाहिए, या फिर उनके अंदर उनकी जो प्रोसेसेस है, जैसे रिप्रोडक्शन है या कुछ ऐसा चीज है, वो बारिश के टाइम पे ही होगा, तो ऑब्वियसली उस बारिश के सीजन में उन वाली स्पीशीज का नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा, एज वेल एज स्ट्रक्चर. कैसे, जैसे बारिश ज्यादा आई तो उसके बाद के सीजन में वहां पे ग्रीनरी ज्यादा हो जाएगी. तो विद द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस किसी एरिया की जो स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन है वो चेंज होती है. This change is orderly and sequential, parallel with the change in the physical environment. तो ये एक orderly होगा कि पहले बारिश आएगी, फिर मेरे जो है plants ऐसे grow करेंगे, फिर उसमें flowers आएंगे, fruits आएंगे, फिर उसकी leaf shed होगी, and so on, ऐसे cycle चलती रहेगी. तो एक orderly and sequence के अंदर पहले ये होगा, उसके बाद ही यही होगा. ये नहीं कि third step first के बाद ही आ जाएगा. And किसके parallelly changes ये चलेंगे, with the changed environmental conditions. ये नहीं है कि जब तक बारिश ही नहीं आएगी और वो टाइम पीरियड आ गया तो भाई वो उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया. बारिश आएगी तभी वो होगा. तो मींस फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तभी जो है ये वाला चेंज भी आएगा. दीज चेंजेस लीड फाइनली टू अ कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद एनवायरनमेंट. और इन चेंजेस के होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब ऐसा चेंज होगा विच इज नियर इक्विलिब्रियम होगा विद एनवायरनमेंट. कि अब एनवायरनमेंट अगर फर्दर कुछ ऐसा एक्सट्रीम चेंज आता है तो उस एरिया में इतना चेंज नहीं आएगा. एंड दिस इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी. मूवी का जो एंड और जो मेन सीन होता है उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी वो वाली कम्युनिटी जब आ जाएगी कि फर्दर कुछ भी चेंज हो उनके अंदर इतना चेंज नहीं आएगा, तो उस कम्युनिटी को बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और ये आती है एंड में. अब सक्सेशन की जो मेन डेफिनेशन है, इट इज हियर दैट ग्रेजुअली विद टाइम एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस एक स्पीशीज की कंपोजिशन में अगर होते हैं एक पर्टिकुलर गिवन एरिया के अंदर, देन इट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन. एंड ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज कोलोनाइजेस एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम न्यूमरस, वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज डिक्लाइंड एंड इवन डिसअपीयर. मीन्स सपोज करें कि एक बैरन लैंड था और स्टार्टिंग के 5 साल के अंदर वहां पर इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी, देन नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर इंसेक्ट्स के अलावा सपोज करें हर्बीवोर्स की ज्यादा हुआ करती थी, तो वो क्या है कि जरूरी नहीं है कि जो स्पीशीज एक बार आ गई वो एंड तक भी उतने ही नंबर में उतनी ही वैरायटीज की प्रेजेंट होंगी. सो ये सम स्पीशीज कोलोनाइजेस, दे इंक्रीजेस देयर नंबर, दे बिकम मोर न्यूमरस, वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज डिक्लाइन एंड इवन डिसअपीयर. हो सकता है कि 10 साल के एंड तक आते आते जो इंसेक्ट्स की स्पीशीज सबसे पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी वो अब ना. So, ये जो entire sequence है ना of communities that successively changes in a given area are called series. मतलब जो stages हैं कि पहले suppose करें insects आए, फिर उसके बाद insect eating small animals आए, फिर उसके बाद मेरा रेंगने वाले suppose करें reptiles आए, या इस type से जो various stages हैं they are called as series. The entire sequence of communities that successfully changes in a given area are called series. The individual transitional community are termed as seral stage.
ये सारी स्टेजेस को मैं अगर कलेक्टिवली बोलूंगी तो मैं इनको बोलूंगी सीरीज, और अगर एक इसमें से एक उठाकर अगर मैं उसको बोलूंगी तो मैं उसको बोलूंगी सिराल स्टेजेस या फिर सिराल कम्युनिटीज. इन द सक्सेशन सिराल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इंक्रीज इन द टोटल बायोमास. तो इससे क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज भी चेंज होगा, ऑर्गेनिजम्स उनमें कितने हैं वो भी चेंज होगी, एंड ओवरऑल टोटल बायोमास भी चेंज होगा. जैसे सपोज करें अगर इंसेक्ट्स थे तो उस टाइम पर उस एरिया का बायोमास कम होगा इन कंपैरिजन टू अगर लार्ज मैमल वहां पे आ जाते हैं. तो ये चीजें विद टाइम चेंज होती रहती हैं. सक्सेशन क्या है, सक्सेशन यू कैन से दैट इट इज अ प्रोसेस. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेफिनेशन सीरीज क्या है, सिराल स्टेजेस क्या है, प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, हाइड्रार्च जेरार्च, ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. सो दे आर सेइंग दैट सक्सेशन इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर. देयर कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवर एग्जिस्टेड, से लाइक अ बेयर रॉक, और दिस कुड बी एन एरिया दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्टेड देयर. तो उसने कहा कि सक्सेशन जो है वो दो तरीके से हो सकती है. एक तो उस एरिया के अंदर जहां पर कभी इससे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहा करता था, या दूसरा उस एरिया के अंदर जहां पे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहा करते थे बट बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, कुछ भी ऐसी चीज हो गई जिससे वो पूरी कम्युनिटी ही वहां से गायब हो गई है, तो वहां पर भी सक्सेशन मेरा दोबारा होगा. अब जो फर्स्ट वाला केस था, कौन से वाला, कि वो एरिया जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले कभी नहीं रहा, जब वहां पे सक्सेशन होता है तब उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, और जहां पर पहले कभी कोई नहीं रहा वहां पर सक्सेशन को होने में ज्यादा टाइम लगता है, वहां पे ये प्रोसेस होती है स्लो. और वो एरिया जहां पर पहले ऑर्गेनिजम्स रहते थे बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन अब नहीं रहते, तो वहां पर जब सक्सेशन होगी तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगी, और वो कहलाएगी सेकेंडरी सक्सेशन. जल्दी हो जाएगी, इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसका एक रीजन तो बेसिकली ये है कि पहले वाले एरिया में तो सॉइल नहीं थी, दूसरे वाले एरिया में सॉइल प्रेजेंट थी, और शायद कहीं ना कहीं सीड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर सॉइल को बनाने के लिए उसको इतना टाइम नहीं लगेगा. सॉइल बनाना ही अपने आप में 100-200 साल की एक लंबी प्रोसेस है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड द टेम्परेचर. तो जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो कंपेरेटिवली फास्ट होता है, जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो बहुत लॉन्ग होता है. इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंसेस आया है, एग्जांपल्स ऑफ एरिया वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स वो कौन कौन से एरिया हो सकते हैं, न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक्स, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वॉयर. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी स्लो प्रोसेस. बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी और डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स एस्टेब्लिश करे उस एयर में, There must be soil, which should be there. And depending on the climate, this natural process of formation of soil, it takes hundreds to thousands of years to produce a fertile soil on bare rock. जब वहाँ पे soil आएगी तभी वहाँ पे producers आएंगे, जब producers आएंगे तभी तो वहाँ पे कोई और species आएगी. So जो मेरा primary succession है, it is a very slow process. जो सेकेंडरी सक्सेशन है इट बिगिंस इन द एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी हैव बीन डिस्ट्रॉयड. जैसे कोई अबंडेंट फार्म लैंड है, पहले वहां पे खेती करती थी, अब वो जगह छोड़ दी, या फिर बर्नड और कट फॉरेस्ट है, लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड, कहीं बाढ़ आ रखी थी किसी एरिया में, तो उसके बाद वहां पे उस वजह से, बाढ़ की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, या फिर किसी एरिया में जंगल में आग लग गई उस वजह से सब चीजें खत्म हो गई. तो ऐसे एरिया में जो सक्सेशन होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. सिंस सम सोइल और सेडिमेंट्स इज प्रेजेंट इन दिस केस द सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन. The succession proceeds, the number and types of animals and decomposers also changes. मतलब जो with time है, जैसे कि suppose किसी area में primary succession हो रहा है, starting के 10-20 साल में अलग conditions होंगी,
अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स. उसके बाद सपोज करें 20 से 50 साल में वहां पे अलग वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे. तो ये जो है विद टाइम स्पीशीज कंपोजिशन भी उस एरिया की चेंज होती है. एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन द नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सिराल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेज. सपोज करें कि स्टेजेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जहां पे स्मॉल प्लांट्स आएंगे या लार्ज प्लांट्स आएंगे या ट्रीज आएंगे, यहाँ पे इंसेक्ट्स होंगे, यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स, यहाँ पे लार्ज प्लांट्स, यहाँ पे ट्रीज आ गए. सपोज करें यहाँ इंसेक्ट्स हैं, यहाँ पे मैमल्स भी आने शुरू हो गए, इस टाइप से अगर ऐसा कुछ है. और क्या हुआ कि मेरा एक, अगर सपोज करें मेरा यहाँ पे था सक्सेशन उस एरिया के अंदर और ह्यूमन इंटरवेंशन हुई, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये प्रोसेस तो टुवर्ड्स दिस साइड जा रही थी, बट वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन हुई तो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर ये यहाँ भी रुक सकता है या फिर यहाँ की बजाय वो वापस इस पे भी आ सकता है. तो अगर ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है तो जो ये सिराल स्टेजेस चल रही है ये एक स्टेप नीचे भी जा सकती है, बैकवर्ड नॉट फॉरवर्ड. कैन कन्वर्ट अ सिराल स्टेजेस ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेज, जो अर्लियर स्टेज थी. Also, such disturbance create new conditions. इनकी वजह से नई conditions भी बना सकते हैं ये that encourage some species and discourage or eliminate other species. जैसे यहाँ पे large plants और insects की बात करें तो कुछ conditions ऐसी बन गई जिसमें से suppose करें कि आगे जाके सिर्फ mammals ही उस area में flourish कर सकते हैं, reptiles and amphibians नहीं कर सकते. तो ये भी किस वजह से हुआ है? Because human intervention उधर हुई है. नाउ हम बात करते हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट्स. ओके, यहां पर आप देखेंगे हाइड्राट सक्सेशन लिखा हुआ है, ज़राट सक्सेशन लिखा हुआ है, पाइनियर स्पीशीज लिखी हुई है. तो ये सब क्या चीजें हैं? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट, उस एरिया का क्या हैबिटेट है, उस मतलब वो हैबिटेट किसका है, वेदर इट इज अ वॉटर हो या बहुत ही ड्राई प्लेस हो, सक्सेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्राट सक्सेशन और ज़राट सक्सेशन. अगर पानी के अंदर प्लांट स्पीशीज का सक्सेशन होना है तो वो कहलाएगा हाइड्राट सक्सेशन. अगर प्लांट्स का सक्सेशन होना है बहुत ही ड्राई एरिया में तब ये वाला सक्सेशन कहलाएगा ज़राट सक्सेशन. हाइड्राट सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेटर एरियाज एंड द and the area successional series progresses from hydraulic to mesic conditions. ये mesic conditions अभी बताएंगे. तो चाहे वो पानी से शुरू हुआ हो, at the end वो जाएगा mesic conditions में. चाहे वो बहुत dry area में हुआ हो, xerarch. अगर xerarch succession है, which takes place in dry areas, अगर वो भी है, तब भी वो आगे जाके mesic conditions में ही जाएगा. So they are saying that both, either hydrarch, either xerarch succession, they leads to medium water conditions. Mesic conditions क्या है? Medium water conditions. यहाँ ज़्यादा पानी था, यहाँ ज़्यादा सूखा था. यहाँ पर जो है medium water conditions है, neither too dry, neither too wet. तो इतना मेरा यहाँ पे आकर ही succession जो है end में meet करेगा. The species that invade a bare area are called pioneer species. सक्सेशन शुरू होना था, सबसे पहले जो स्पीशीज वहां पर उस एरिया में आकर रहना शुरू करेगी, इन्वेड करेगी, उसको क्या बोलते हैं? पाइनियर स्पीशीज. इन प्राइमरी सक्सेशन का अगर हम बात करें, जो कि रॉक्स में हो सकता है, तो प्राइमरी सक्सेशन के केस में प्राइमरी स्पीशीज होगी मेरी, पाइनियर स्पीशीज होगी लाइकेन. ये याद रखना है कि इन केस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन जो मेरी पाइनियर स्पीशीज होगी वो होगी लाइकेन. ये क्या करती है lichens? They secrete acids which dissolve rocks, which breaks the rocks so that it converts into soil. इसके बाद lichens के बाद मेरे very small plants आएंगे, very small plants जैसे bryophytes. उसके बाद जो है मेरे bigger plants आने शुरू होंगे और with time जो है मेरी climax community जो है वो form हो जाएगी. With time, they succeeds to bigger plants and several more stages और आएंगे. Then उसके बाद ultimately एक ऐसी stage आएगी जब climax forest जो है मेरा
फॉर्म हो जाएगा. द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज एनवायरमेंटल रिमेन अनचेंज. अगर एनवायरमेंट में कोई एक्सट्रीम चेंज नहीं आता तो वो जो मेरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो वैसी की वैसी ही रहती है. फर्दर कोई न्यू एडिशन ऑफ स्पीशीज नहीं होता है. एंड विद टाइम द ज़ेरोफिटिक हैबिटेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू मेसिक वन. विद टाइम क्या होगा, ये सूखा एरिया भी मेरा फ्लरिश कर जाएगा, मेसिक बन जाएगा. अगर प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है पानी में, इफ इट अकर्स इन वॉटर, देन इन दैट केस जो मेरी प्राइमरी स्पीशीज होगी वो होगी फाइटोप्लांक्टन्स. They are replaced by time with rooted submerged plants. So first क्या है? Phytoplanktons. Second क्या है? Rooted submerged plants. Third क्या है? Rooted floating angiosperms. उसके बाद क्या आएगा? Free floating plants. Then reed swamp, marsh meadows, curbs and finally trees. यहाँ पर भी at the end में क्या आएगा? Trees. The climax again would be a forest. चाहे वो पानी से शुरू हुआ हो. तो ये हमने बात कर ली प्राइमरी सक्सेशन के अंदर जो केसेस बनते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी सक्सेशन. वहां पे क्या होगा? सो एज दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीशीज दैट इन्वेड्स इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सोइल. सोइल की कंडीशन अच्छी है या ज्यादा खराब है, उसमें किसी चीज की कमी है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट मेरा स्पीशीज अलग अलग हो सकती है. दैट इन्वेड्स डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सोइल. Secondly, availability of the water. अगर वहां पे पानी की कमी है तो वहां ऐसी species तो नहीं आएगी जिसको ज्यादा पानी की जरूरत हो. And environment, as also the seeds and other propagules present. क्या वहां पे seeds हैं या नहीं है? ये सारी चीजें जो है वो decide करती हैं secondary succession किस direction में होगा. Since soil is already there, the rate of succession is much faster. Hence, the climax community here would reach more quickly. यहाँ पे इन्होंने example दे रखा है phytoplanktons, submerged plant stage, reed swamp stage, marsh meadow stage, submerged plant stage, submerged free floating plants stage, then reed swamp stage, marsh meadow stage, scrub stage and at the end जो forest है वो आ जाएगा. All the succession, whether taking place in water or on land, it proceeds to a similar climax community, that is mesic. So with this, जो succession है, उसकी हमने आज बात करी है. Continue करेंगे इस chapter को next videos में.